एस में तुम्हारा एक डब्बा, पी में तीन डब्बा, और डी में कितना डब्बा? फाइव। हुर्नसुल क्या बोलता है? हुर्नसुल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है वो सुनना। तुम्हें पिछला बाहु प्रिंसिपल ये बता दिया कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2p का है, 2p से ज्यादा एनर्जी 3d का है, मतलब 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आना चाहेगा, फिर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में जाना चाहेगा, फिर 3d के में सबसे लास्ट में जाना चाहेगा, इन दोनों में कंपेरिजन करे तो, क्योंकि एनर्जी से ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, ये कहां से? अबाहु प्रिंसिपल, जो पिछला पर है, अबाहु प्रिंसिपल जो हम लोग पीछे पर भी जस्ट। हुर्नस रूल क्या बोलता है वो सुन। हुर्नस रूल बोलता है इस 2p के अंदर तीन डब्बा है, तीन ऑर्बिटल जिसको हम डब्बा बार बार बोल रहे हैं, इस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा वो बता। इलेक्ट्रॉन तो ये डिसाइड कर लिया कि हमें 1s के बाद 2p में जाना है, बट वो 2p में जब जाएगा तो उसके अंदर भी उसका ऑप्शन है तीन ऑर्बिटल का, उसमें कैसे अरेंज होगा ये बताता है हुर्नस रूल। तो उसके लिए रूल है, अब ये रूल क्या बोलेगा वो तुम पढ़ोगे, समझ लोगे और उसके अकॉर्डिंग फील करोगे। ये बता दिए, बताता क्या, तो लिखो इसमें स्टेटमेंट लिख लो पहले, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल while filling according to this rule, while filling electrons in different orbitals, while filling electrons in different orbitals of the same subshell ke andar alag alag dabba mein electron bharte waqt, while filling electrons in different orbitals of the same subshell, subshell comma first each orbital gets 1 electron, first each orbitals gets 1 electron, 1 electron, 1 electron, 1 electron, and then the pairing of electron takes place, and then the pairing of electrons एक्सप्लेस। बताते हैं क्या इसका मतलब है। पी में ना गौर से, पी के अंदर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? तीन डब्बा है तो कितना इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हर डब्बे में कल बताए थे दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हालांकि उसका रीजन नहीं दिए थे, रीजन देंगे जब हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे वहां पर। दो इलेक्ट्रॉन हर डब्बे में ज्यादा, तो पी में मान लो तुम जानते हो कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो, हम तुमसे बोले हमें पी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, पी के तीन डब्बे में 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हुर्नस रूल के अकॉर्डिंग, फिल करके बताओ, तो तुम्हें पास, तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो 5 तो कर ही सकते हो, अगर मान लो 5 होगा मेरे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें 2p के तीन डब्बे में, इसी के लिए यूज करते हैं हुर्नस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है, 5 इलेक्ट्रॉन में से पहले सारे डब्बे को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एरो से दिखाते, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है तब जाकर के तुम हर ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट करोगे, दोबारा से इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो बचा मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा अपोजिट में, कल बताया थे कि अगर अपवर्ड होगा एक ऑर्बिटल में तो दूसरा डाउनवर्ड होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा।
हो गया, तुम 2p में 5 इलेक्ट्रॉन को सजा दिए हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। खुद तुम लोग करो अभी। इस 3d में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। हमें 10 इलेक्ट्रॉन है, हमें 3d में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करके बताओ क्विकली। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करके बताओ। 3d में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लगाओ पहले सब में एक एक जाएगा, तो एक एक दो, फिर इसमें तीसरा और फिर चौथा। पेयरिंग हो ही नहीं पाएगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास पेयरिंग नहीं हो पाएगा। 5 रहता तो क्या होता, पांचवा इसमें आता। उसके बाद अगर रहता मेरा 3d7 रहता तब फिर पेयरिंग स्टार्ट करते अपोजिट में 6 7 8 9 और मैक्सिमम जब 10 होगा तो पूरा पूरा तुम्हारा फील हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे दो टर्म को हमको इलस्ट्रेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये पहले तुम कर लो, ये कर लो पहले, ये दो एग्जांपल लिख लो, ऐसे करके लिख लो। ये 2p में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे सजाएंगे, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे सजाएंगे। ये 5 कर दिए वैसे तो, 3d में 5 कर दिए, समझ गए तो खुद से कर लो, दो तीन एग्जाम्पल लिख लो। तो ये जो सजाए हो, ये तुम सजाए हो हुंस रूल के अकॉर्डिंग। ये हुंस रूल अभी तुम समझ लिए, तो इसी पे कब कब क्या होता है, ये सजा के तुमको दिया रहेगा ऑप्शन में, बोलेगा बताओ कौन सा ऑप्शन में हुंस रूल को फॉलो नहीं किया किया नहीं गया है, नहीं किया गया फॉलो। तो तुम देख लोगे सब में दिया रहेगा फिल कर करके ऑप्शन में, एबीसीडी में देख लोगे कहां पे हुंस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, टिक लगा दो खत्म। बोलेगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हुंस रूल इज वायलेटेड, हुंस रूल को वायलेट किया गया, नहीं माना गया। तो तुम देख लोगे आसानी से कर लो, ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन है। चलो तो लिख लिए क्या? ठीक है चलो, और यहाँ देखो क्लियर करते हैं और लिख लिए, क्लियर कर देंगे ड्राइंग को। देखो यहाँ मान लो हमारे पास, देखना लिखते कैसे, जैसे मान लो 3D है ना, 3D है मान लो, अधिक से अधिक 10 होगा, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ऊपर में ऐसे 3D का। 3D का मतलब हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल्स। 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्बिटल नहीं बोलना चाहिए, सबसेल बोलना चाहिए, ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन 3D में। इसको कैसे सजाओगे, 5 डब्बा बनाओगे क्विकली और सजा दो। ये कुछ बताना है इसलिए पापा से ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा तीसरा चौथा हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले सारे डब्बे में एक एक जाता है, तो एक दो तीन चार पांच। ठीक है, और एक हम दूसरा लिए एग्जांपल, जब मेरे पास 3D में पूरा का पूरा भरा हुआ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 का 10 नंबर दी 3D, जब तुम 10 भरोगे तो क्या होगा, पूरा फुल हो जाएगा ये। पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, ध्यान रखना पेयर मत करना, यहाँ पे तुक्का में सही हो जाएगा 10 वाले केस में, अगर सब पूरे पूरे भरते जाएगा तब भी, इसलिए हैबिट पे डालो सब में एक एक। यहाँ तो अगर कोई डायरेक्ट भी भरे दो दो तो उसका तुक्का में सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि समझ पा रहा हूँ हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद पेयरिंग, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां, नौवां, दसवां। ठीक, ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या 3d5 और 3d10 है, मैक्सिमम डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 मैक्सिमम इज इक्वल टू 10। हम इसको बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, या सबसेल पूरी तरह से भर गया है, कंप्लीटली फिल्ड है। और इसको क्या बोलेंगे,
मैक्सिमम का जस्ट आधा इलेक्ट्रॉन तुम लियो, 10 का आधा 5, तो बोलोगे हाफ फिल्ड। ये हाफ फिल्ड सबसेल है और ये कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है। लिख लो इसके नीचे, ये हाफ फिल्ड है, जान रहो 10 मैक्सिमम होता है, 10 का आधा 5 है इसमें, और ये पूरा पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। और अगर 3D7 ले लोगे, 3D7 ले लिए, वो ना ही कंप्लीटली और ना ही हाफ है, तो उसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड है मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जस्ट अभी तुम लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है ना रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। यानी 3D7 और 3D5 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3D5 ये सब ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है, इसका रीजन हमारा की बाद में थोड़ा सा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी से रिलेट करेंगे बाद में, अभी फिलहाल ध्यान रख सकते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, कोई भी सबसे ज्यादा चाहता है कि हाफ फील्ड हो जाए अगर उसका मौका हो तो, ध्यान रख। उसी तरह P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो 6 का आधा 3, P3। P में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, और 6 का आधा 3 है, मान लो 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब उतना स्टेबल नहीं। ठीक है, तो हुन्स रूल भी हम लोग को बता दिए कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पे ध्यान रख लो, क्वेश्चन हम भेजेंगे तो वहां पे करेंगे डिस्कशन, यहाँ पे ध्यान रख लो, जस्ट बता दे 3D4 है, यहाँ ध्यान देना गौर से। हालांकि वो होगा, पहली बार में गलती करोगे तो लोग करोगे गलती, अगर क्वेश्चन देखे नहीं होगा तो, बट बताते हैं यहाँ पे। मान लो 3D4 दिया गया या 3D3 दिया गया, मान लो 3D3 दिया गया, सर 3D3 में फिल करना है 5 सर डब्बे में 3 लोग, ऑप्शन में तुम्हें फिल ऐसे करके दिया गया, बोलेगा हुन्स रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है या नहीं, क्या बोलोगे? हुआ, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है यही से स्टार्ट करो, तुम लोग आदत में डालते हैं। ये पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, ध्यान रखना, 3D का जितना भी डब्बा बना रहे हो एक के अंदर 5 डब्बा, वो पांचों का डब्बा सेम है, सबका एनर्जी सेम है, तो वो यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए पहले, एनर्जी सेम है। हाँ, अगर पेयर पहले कर देता तब बोलते गलत हो रहा है। तो यहाँ पे कितने बच्चों को स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हुन्स रूल के अगेंस्ट है, पहले इसमें भरना चाहिए, भाई पांचों डब्बा सेम है, तुम ये मत सोचो कि ये पहला डब्बा ये दूसरा, तुम अपने मन में बना रहे हो ये पहला डब्बा ये दूसरा डब्बा, इलेक्ट्रॉन के लिए इस पांचों में से कोई भी पहला डब्बा हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन में कुछ बच्चों को लगता है कि हुन्स रूल वायलेट किया गया, टिक लगा गया, नहीं यहाँ पे हुन्स रूल फॉलो किया गया है, लिख लो ये जस्ट, हाँ क्वेश्चन हम भेजेंगे ऐसा ऐसा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन मत लो उसका, ठीक है, यहाँ पे हुन्स रूल फॉलो किया गया। वही अगर इसे पेयर करके दे देता ना, फिर तुम बोलते गलत हो गया, पहले सब में एक एक भरो फिर पेयर करो, पहले पेयर कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन भेजेंगे डिस्कस करेंगे तो वो सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जस्ट अभी एक बोल दिया यहाँ किसी एक एक कार्य भर देगा इसमें तो वो चलेगा, मान लो यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे वो भी चलेगा, क्योंकि पांचों का ध्यान रखना एक ही सबसेल का जितना ऑर्बिटल होता है सबका एनर्जी सेम होता है, लिख लो पॉइंट, बाकी आगे डिस्कस करेंगे, लिख लो, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल, डी में 5 डब्बा बना रहे हो, पी में 5 डब्बा बना रहे हो, 2p के अंदर अगर 3 डब्बा बना रहे हो तो तीनों डब्बे का एनर्जी सेम होगा, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल हैव इक्वल एनर्जी, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसे, ये 3D10 इसमें तो 5 डब्बा बनाए हो, पांचों का एनर्जी सेम होगा, इसका एनर्जी इज इक्वल टू इसका एनर्जी इज इक्वल टू इसका एनर्जी इज इक्वल टू इसका एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई किसी में जाए उसको एनर्जी तो सेम मिलने वाला है, तो उसके लिए पांचों डब्बा आइडेंटिकल है, तो लिख लो ऑर्बिटल्स, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल हैव इक्वल एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ये टर्म यूज किया जाता है, मतलब सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। कभी पूछ लेता इसका डेफिनेशन बोर्ड्स वगैरह में कि व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे करके होंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम हो, एक ही सबसेल का है और उसका एनर्जी सेम, ऑर्बिटल्स ऑफ द
भैया हाँ बोलो किसी और वाइटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे और वाइटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा, फिर भी दोनों का एनर्जी सेम होगा। क्या बोल रहे हो? किसी और वाइटल में किसी और... बोलना चाह रहा हूँ, मान लो इसमें हम पेयर कर दें, इसमें दो है इसमें एक है, ये तुम बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ भैया देखो हाँ भैया ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, ऑर्बिटल का एनर्जी सेम, बट होगा क्या? तुम जो केस बोलना चाह रहे हो, जब इसे फील हो जाएगा ना, दो इलेक्ट्रॉन आपस में भी इंटरेक्शन हो, अब वो इंटरेक्शन का भी एनर्जी इंक्लूड करके बोलना चाहते हो तो फिर हम बोलेंगे डिफरेंट है, बट ऑर्बिटल सारे ऑर्बिटल एनर्जी सेम हो। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी तुम उस केस में बोलते हो तो हम बोलेंगे चूंकि अब दो पेयर हो गया उनके बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होगा। सिंपल लेवल पे सोचोगे तो भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है भाई, चार्ज है, चार चार्ज के बीच फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उस लेवल पे जाओगे तो बोल सकते हो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बट ऑर्बिटल लेवल पे पूछेगा जो हम लोग मानते हैं केमिस्ट्री में कि सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम, सारे का सेम मानते हैं, तो वो अगर कंसीडर करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। हालांकि उस लेवल पे उसका बात करना भी हमको लगता है डायरेक्टली पॉसिबल होगा नहीं, पता नहीं, क्योंकि माइक्रो लेवल का बात है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो ठीक है, तो ये दो हम लोग कर लिए, ठीक है। और अच्छा कोई कुछ पूछा है चैट में यार, तुम देख नहीं रहे, चैट पे ध्यान नहीं दे रहे, क्या पूछना चाह रहे हो उत्सव? वो आप कैसे काउंट किए हैं बोलना चाहो तो बोल सकते हो, और समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैसेज जी वो जो ऊपर में वो क्या बोलो जो आप बाहु में था ना, अच्छा उसका काउंटिंग जो आप कर रहे थे। डाउट है तो क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम बाहु का डाउट, फिर हम चैट पे ध्यान मेरा जा नहीं रहा, ठीक है, अब बाहु में, ठीक है, अब बाहु बोलो क्या बोल रहे हो, कौन सा काउंट? इससे और नीचे हल्का नीचे कीजिए और, हाँ बोलो, ये वाला, ये वाला, ये काउंटिंग नहीं, 1s 2s जो एसेंडिंग में इसको किए हैं उसको उस टाइम काउंट कर रहे थे। अच्छा मैं समझ गया, तुम ये बोलना चाहते, तुम एरो को शायद फॉलो नहीं कर पाए, तुम ये बोलना चाह रहे हो शायद, तुम एरो को फॉलो, ये चीज क्या? नहीं नहीं वो नहीं, उस टाइम आप बोल रहे थे कि 88 एलिमेंट तक का निकाल सकते हो, वो मैं सही कहते बता, वो कुछ नहीं कर रहे थे, तुमको पता चल गया ना इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखा, दिखोगा एक डब्बा है तो कितना इलेक्ट्रॉन, दो, पी में सारे पी में 6 होगा, डी में 10 होगा, एफ में 7 डब्बा होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम ये बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते कहां तक जा रहा है, 118 इसमें 2 तो 2 2 4 6 10, फिर इसमें 2 तो 12, पी में 6 मतलब 6, वो काउंट कर रहे थे, वो तुम लोग समझ जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन लिखोगे तो, ठीक है, इसमें 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, काउंट कर रहे थे, देख रहे थे कि 118 कहां तक जा रहा है, कहां पे जाके एंड हो रहा है, तो वही काउंट कर, 2 4 6 10 12 18 20 30 6 फिर यहां पे 36, ऐसे कर, समझ रहे हो, समझ गए ना, देख रहे थे कि 118 इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहा है, तो वही हम बोल रहे थे इधर कहीं आकर के टीएट पूरा तुम खुद से घर पे काउंट करो, समझ गए ना, इसमें 2 एक डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो कंक्लूजन के तौर पे, जिसको नहीं पता इसमें एक डब्बा बनाना कभी भी कोई भी ऐसा है, और 2 इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियस ही बात है, डबल हो जाएगा, पी में 3 डब्बा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 डब्बा 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 डब्बा 14 इलेक्ट्रॉन, इसी पे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखना सीखेंगे एसपीडीएफ वाला मंडे से। एक और वैसे रूल है, आज नहीं करेंगे हम लोग डिस्कस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जाके खुद से पढ़ना, बुक से पढ़ ही बोल देते हैं, अब समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा, बेसिक तुम लोग क्वांटम वर्क सब पता चल गया, तो खुद से भी फॉलो कर सकते हो, और मंडे से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उससे तुम उस प्रिंसिपल से यह बोल सकते हो कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों है, उसका रीजन वहां से आता, दूसरा रीजन ये भी आता, एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एक अपवर्ड ले रहे थे, डाउनवर्ड ही क्यों ले रहे हैं, वो भी वहीं से आता है, तो दोनों चीज का रीजन तुमको वहां से मिलने वाला है, थर्ड वाले से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकते, 3 4 5 क्यों नहीं भरते एक ही ऑर्बिटल में, दूसरा रीजन एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो दोनों को सेम स्पिन में क्यों नहीं लेते, एक को लेते हैं क्लॉकवाइज दूसरे को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसका भी रीजन वहां से मिलने वाला है, बोल दिया, जस्ट खुद से जाना पढ़ना और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना उस स्टेटमेंट को पढ़ करके, जो दिया हुआ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, इसके लिए तुम एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, सफिशियंट होगा इस टॉपिक के लिए। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं मंडे से।